अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो बस अभी हल्दी में से आए हैं, अम्मी के घर से। हम लोग रात के 1:30 बज रहे हैं और सारा पैकिंग बाकी है हम लोग का। अब बज चुके हैं यहाँ पे 4:30, क्योंकि पैकिंग करने के बाद मैंने की है 2 वीडियो की एडिटिंग, लेकिन पूरी पैकिंग नहीं की है। हमने सिर्फ एक बैग रेडी किया है जिसमें शादी के कपड़े जाने वाले थे। तो यहाँ पे 4:30 बज चुके हैं, तो आपके भाईजान भी 3 बजे सो गए। उज़्मा और आज़म भी सो गए हैं बेडरूम के अंदर तीनों, माशाल्लाह से। मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो इन लोग सो गए तो मैंने अपनी एडिटिंग कर ली और बची कुछ चीज़ें, ये मतलब बची कुछ ही नहीं, बहुत सारी पैकिंग बाकी है अभी। सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, शादी में पहनने वाले कपड़े, हमारे बच्चों के चप्पल, एक्सेसरीज, वो सारी चीज़ें हमने पहले निकाल ली है। और ये जो 2 बैग है इसमें हम लोग है ना घर के एक्सेस सामान जो होते, बर्तन वर्तन सब भर के रखते ताकि ज़्यादा पसारा ना फैलाओ, कहीं आए गए तो हम लोग बैग को खाली करके यूज़ करते। तो ये देख सकते हैं सब बच्चों की, जो उज़्मा की एक्सेसरीज वगैरह भी सब रखे हैं, कहाँ डालना कैसे डालना है वो सब दिमाग लगाए। फिर बाद में बहुत रात हो गई तो आपके भाईजान जाके सो गए, तो मैंने बोली चलो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करके वीडियो एडिट करके रख देती हूँ। और मैं भी ये टाइम पर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए मैंने ताबड़तोड़ बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं बात करती थी यहाँ पर तो आज़म मेरी हल्की सी आवाज़ से भी उड़ जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे। और कल सुबह में मुझे मेहंदी लगाने वाले भी आने वाले हैं, ये पैकिंग अब पता नहीं कब होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज देखो सबसे पहले मैं लगा रही मेहंदी, आज तारीख मेहंदी लगा रही हूँ। पहले आपकी मेहंदी पड़ जाए तो अम्मी जीनी और नूर के लिए भी मैंने बात करके रखी हूँ, उधर पर भी जुगाड़ कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं। देखिए पहले मेहंदी मेहंदी कितने बजे होती है, अभी तो देखो बजे 1:45 बजे और माशाल्लाह से मेहंदी अच्छी फास्ट लग रही है मेरे हाथ को। उज़्मा बैठना सो रहा है, उज़्मा को नाश्ता दिया, नाश्ता कर लिया है और आज़म सो रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, इसके बाद मेरी भी डायरेक्ट मेहंदी लगा दी डायरेक्ट मुँह पे लो कैमरा। अगर देखो मेरे को आया ना आगे के हाथ लग गए, अभी सूखने तक का वेट है, उसके बाद मैं पीछे लगाऊंगी। तब तक कि अपने उज़्मा को थोड़ा मेहंदी लग रही है, मैं बाद में लेके जाती हूँ आप लोगों को अंदर, कैसी लग रही है बताना। अब पूरा होएगा तो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। छोटू भाई को बोलो स्कैनर भेज दे, भेज दिया उसको, भेज दिया। तो क्या बात, तो बिरयानी क्या बोला? नहीं कुछ बात नहीं, खाली उसने भेजा अपना QR कोड भेजा है। तो बोले नहीं तो मैं कर देता हूँ, उसने कुछ रिप्लाई नहीं, सिर्फ मैसेज आया तो मैंने बताया। फोन पे बात करो, बोलो कि वहाँ से पैसा नहीं मांगना, मैं भेज दूँ ठीक है, और तो वहाँ से कलेक्ट कर लेना, शॉप जाइएगा बोलो, मैं करता फोन ठीक है। अरे वाह, तो देखे आप लोगों ने मैंने क्या लिखवाई अपने हाथ से, नहीं देखे, नहीं नोटिस किए, वापस देखे। अब देखे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और मेहंदी कैसी लग रही वो भी बताना, ट्रेंड भी कर कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने मुझे मेहंदी लगाया है उनका इंस्टाग्राम हैंडल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये मेहंदी मुझे किसने लगाई है, तो आप भी घर पे बुला के लगवा सकते हैं एकदम फटाफट। बहुत कम टाइम में लगाया मुझे मेहंदी इन लोगों ने, लेकिन इन लोग चेहरा नहीं दिखा रहे अपना, लेकिन उन लोग की डिटेल दे दूँगी, ठीक है? ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ठीक है? सो गाइस, मेरा हाथ आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ी नहीं हूँ, हथेली से पकड़ी हूँ, मतलब फिंगर से नहीं पकड़ी, आम से पकड़ी हूँ, तो बीच बीच में मेरा हाथ आ सकता है। अच्छे से खोल के देना। तो अभी दोपहर में मैंने खाना तो कुछ बनाया नहीं, तो घर के लिए भी आया एलबैग से खाना, स्नैक्स ना क्या बोलेंगे, मतलब जो भी है, ठीक है, जो क्या है बाबू, जो भी है यही है। वैसे कल अम्मी की तरफ से आते टाइम पर बिरयानी लेके आई थी, आपके भाईजान ने उसे नाश्ता किए थे, अभी भी वो बिरयानी है, लेकिन अभी मेरे को बिरयानी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नींद में से ऐसा धड़ाधड़ उठी,
बाबू आज मैं कैसा उठी सच्ची बताऊँ? हाँ मैं रात को 5 बजे सोई एडिटिंग वगैरह करके, और मैंने लोगों को टाइम दिया था कि आ जाना 12 बजे तक, इन लोग टाइम पे आ गए, ऑन टाइम आया, और मैं सो के नहीं उठी, तो धड़ाधड़ उठी, आधा कप चाय पी और मेहंदी लगाने बैठ गई, कुछ भी नहीं खाया। हाँ हाँ मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा था आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कल बात नहीं हो पाई थी, परसों मैंने कन्फर्म कर ली थी, लेकिन फिर भी एक था आरव दो ऐसा। तो बस मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सी मैं भी टेस्ट करूँगी। वैसे आपके भाईजान ने मेरा बहुत ख्याल रखे, आज मेहंदी लगाई बोल के सारे काम खुद ही कर रहे, आजम को जब से संभाल रहे, उज्मा को देखे। हाँ और ये दोनों ठंडे की बॉटल, चटनी का डब्बा वो दो, ये उज्मा का क्या बोले, केचप, केचप लेके गए ना। हाँ और उज्मा को अलग से सर्व कर दो, वो भी वहीं बैठ के खा लेगी। नहीं उसको तुमको खिलाना पड़ेगा, लेके आ जाओ यहाँ पे, उसके भी हाथ में मेहंदी लग रही है ना एक्चुअली में। आगे अरे वाह पीछे का बता, वाह माशाल्लाह क्या मेहंदी लग रही है उज्मा, क्या हाथ लग रहा है तुम्हारा, तो एकदम जच रहे तुम, कैसा लग रहा तुमको? बहुत अच्छा, खुशी हुई इसको ना जल्दी, सबकी मेहंदी की डिजाइन इतनी पसंद नहीं आती है, कैसा लग रहा है उसे? बहुत अच्छा, भर के लगाए ना एकदम। राइट हैंड बताओ, राइट हैंड बताओ। हाँ ये उड़ा आंटी ने इसका हाथ भर दिए ना। हाँ सीधा करो उसको, हाँ माशाल्लाह। चलो तुम्हें ना अभी है ना तुम्हारा हाथ सूख जाएगा ना तब खाना, या फिर अब्बा खिलाए, क्या बोलती? पर ये चीज़ अब माँ मैंने गिल, मेरे पैर में भी मेहंदी लगी, मैंने बताई नहीं आप लोगों को, मैं मेहंदी लगा के बैठी हूँ बोल के इधर से हिल नहीं पा रही हूँ, देख रहे ना आप लोग, तो ऐसे बाबू जैसा बोलती वैसा कर लो। चलो हाँ लग, क्या बोली? हाँ लगा हुआ है, तो तू तो स्नैक अपने हाथ से खाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना उसमें। तो देखो नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं, मैंने पैर में भी थोड़ी सी हल्की मेहंदी लगाई, ज़्यादा भर के नहीं लगाई, क्योंकि मेरा वैसे भी पैर क्लोज रहने वाले हैं, मेरे जूते वैसे, लेकिन ऐसे घर में घूमेंगे ना थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगाई खींचे फोटो। बस ऐसा ऐसे पहली शादी है, ये ऐसी पहली शादी है जिसे मैंने हाथ में भी भर के दोनों हाथ में लगाई और पैर में भी लगाई, जिन्हीं की शादी पैर में कहाँ लगाई थी, हाथ में लगाई थी, हाथ में लगाई थी ना, ऐसा ये मेरे घर की पहली शादी है, मस्त खुद ही दुल्हन बन गई, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। पहले क्या अभी घर में मेरे भाई की लास्ट बोले शादी है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करने का है ना, जो पैर पे लगाने का क्या, देखो लोगों को पानी की भी कुछ चाहिए, दिया पानी दिया उसमें, तो पैर में लगाने का नहीं, नहीं मैं रात में लगाऊंगी, मुझे फोन ले ली ना मैं, अबे आप तो बोल रहे ही नहीं थे तो मैं जान ले मत, ठीक है अच्छी लग रही थी, मैं मेरी बच्ची को पैर में रात में लगा दूंगी आराम से, सुनने में हाथ में लग गया ना, मेन जिम्मेदारी क्या थी मेरे को लग गया ना, अभी रात का शाम में रसम में भी जाने का, मैंने कल रात में बैठ के 2 वीडियो की एडिटिंग करके उसको अपलोड करके अनलिस्टेड किया है, अभी 3 वीडियो की एडिटिंग अपलोडिंग अनलिस्टेड बाकी है करना, पैकिंग आधी करे कल रात में, अभी आधी बाकी है, मतलब शादी वाली पैकिंग हो गई, जो डेली वेयर के लिए हम लोग को लेके जाना है सामान वो नहीं अभी तक पैकिंग हुई है, खाली शादी के दिन की पैकिंग हुई, उसमें कल रात के 4-5 बज गए, आपके वाले को 3 बजे चले गए थे ना सोने, ये तो सोने चले गए थे तो मैं एडिटिंग को बैठी थी, 1 वीडियो की फिर एडिटिंग कर दी, अब ये मेहंदी सूखेगी तो फिर मुझे काम पे लगना, फिर शाम 3:30 बज रहा है अपने को वापस जाने का ना 6 बजे 7 बजे, सब तो और सब नाश्ता करने के लिए मैं कुछ खा लेता हूँ, उसमें को भी खिला दो साथ। हाँ जा बेटा खा ले, स्मार्टी कम। सो गाइस मेहंदी लगाने वाले लोग चले गए हैं और हम लोग बहुत खुश हुए, उसमें सच्ची बोलना सच्ची खुशी हुई ना तुझे, ज़्यादा टाइम लगा के तेरे को मेहंदी लगाने में, इस बार पीठ दुखी तकलीफ हुई, माशाल्लाह स्पीच दिया अच्छा लगा है, 3 घंटे में मेरे 2 हाथ मेरी बच्ची के 2 हाथ मेरे पैर सब कर दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनकी जो डिटेल है ना इंस्टाग्राम हैंडल उनका पेज उनका कॉन्टैक्ट नंबर सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगी, स्क्रीन पे भी लगा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, और कमेंट में पिन भी कर दूंगी मैं उनकी डिटेल, और मैं फ्रंट कैमरे में बात कर नहीं, तो फाइनली मैंने फ्रंट कैमरे पे कर लिया अपने हाथ से, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही पता है, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में गोट लगे ले जो गीले है, चिपचिपे से लग रहे हैं, चिपचिप चिपचिप तो मैं पकड़ नहीं पा रही,
तो इस वजह से और अपडेट देना भी ज़रूरी है आप लोगों को। तो ऐसा है कि आई एम डन, यूहू, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, मामू की शादी है, अदब हारो देखो अभी फ्री हो जाऊंगी मैं, खाना खा लेगी ना तो इसको भी सुला डालूंगी। सो तो जाना अभी, तेरी मेहंदी कब सूखेगी कब निकलेगी तेरे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पापा तुमको डिजाइन अच्छी लगी, तुमको तुम्हारी बीवी अच्छी लगी, मेहंदी लगा के अच्छी लगी बीवी? हाँ, मेहंदी लगाने के टाइम पे जो तुमको बीवी ने काम बोली वो काम अच्छे लगे, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पक्का ना? तो ऐसा मेहंदी लगाने देंगे ना मैंने एक बार, पक्का ना? मैंने डील कर लियो, मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी मेहंदी की, मैं बोली महीने में एक बार कभी मेरा मन किया तो आके मुझे प्लीज लगा के जाना। तो ऐसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो मैं जानती हूँ आप लोग मुझे देख के ये सोच रहे होंगे कि ये टी शर्ट के अंदर क्या मेकअप करके घूम रही है, क्यों ऐसा? तो मेरे को तैयार होने का, तो एक्चुअली मैंने सारे ड्रेसेस निकाल के रखे हैं, क्या क्या लेके जाऊँगी। एक्चुअली आप लोगों को पता है मैं 6-7 जोड़ी नए ड्रेस लाई थी, तो उसमें से मैंने प्लानिंग की थी कि ये ड्रेस मैं आज पहनूंगी। अच्छा देखो, मेरी आज मेहंदी लगाई थी ना मैं, तो मैंने निकाल दी वो भी, अभी पूरी तरह से कलर नहीं आया। मैं इसको अच्छे से कल दिखाऊंगी, जब सुबह में इसका अच्छे से कलर आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो जो मेन है, तो जो 4 जोड़ी लेके जाने वाली वो तो है घर में, लेकिन मेरे को जो पहनने का था ना कल भी रियाज की हल्दी में, वो तभी भी इस्त्री वाले के पास था, मैं सोची थी आज आ जाएगा, तो आज भी नहीं आया इस्त्री वाले के पास से। तो अभी यहाँ की भी हल्दी में मैं सोची थी एक पीला ऑरेंज जैसा कुछ तो भी कपड़ा पहनूंगी बोल के, वहाँ के लिए तो है देखो क्रीम येलोइश कलर का कपड़ा है, अभी मैं नहीं दिखा रही, बहुत ज़्यादा पसारा फैला अभी, जान तो छोड़ो। तो वो इस्त्री वाले के पास है, तो आपके भाईजान गए लेने के लिए, तो मैंने मेकअप करके रेडी हो गई कि वो आएंगे ना, वैसे टावर तो मैं कपड़ा डाले आ कर निकली, तो ऐसा है उसने को भी रेडी कर दिया, आज़म को भी रेडी कर दिया। तो अम्मी का फ़ोन भी आया था कि बेटा तू अभी तक आई नहीं हुई हमें ऐसे, और आप लोगों को पता है मेरी आज तबीयत खराब हो गई, मतलब है ना उल्टी भी हो रही है और है ना लूज मोशन भी लगे हुए हैं मुझे, हालत बहुत टाइट है मेरी, लेकिन क्या करें अभी। और हाँ, अरे मैंने तो लच्छा पहना, मैंने तो बताया नहीं आप लोगों को, कल लच्छा पहनना भूल गई थी, कल पहनती तो कितना अच्छा लगता था ना। देखो नॉर्मल टाइम पे पहनूँ नहीं पहनूँ, लेकिन ऐसे ना शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में ना पहने तो अच्छा लगता है, पहने तो अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग नहीं पहनते, नहीं मानते। अर्जन का फ़ोन था, उसमें को वहाँ छोड़ दूँ क्या बोले, पहले काय को छोड़ रहे अभी अभी निकलने का, अम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं बोली इस्त्री में कपड़ा लेने गए हैं बस आ रही हूँ 15 मिनट में, तो ये बोलते मैं उसमें को रास्ते में छोड़ के आऊँगी, अभी जाएंगे तो फिर अम्मी और टेंशन ले लेंगे, और ये भी तू अभी तक यहीं है कब आएगी ना जो कब आएगी तुम लोग, बोले टेंशन मत दो लोग को, चुपचाप अभी घर पे आओ कपड़ा वपड़ा पहन के फिर साथ ही में निकलती हूँ अभी। तो ऐसा, हाँ तो मैंने लच्छा पहन के बताई दिया, अल्लाह सच्ची मैंने ऐसा लग रहा बात कर रही हूँ ना तो पेट के अंदर से आवाज़ निकल रही है, जबकि इतने ज़ोर से बात नहीं कर रही मैं। तो ऐसा, तो देखिए मैं ये वाला ड्रेस की बात कर रही थी, ये वाला ड्रेस की बात मंगाई थी ना वही पहनने का था मुझे, क्योंकि ये अभी पहनने का है, इसको लेके नहीं जाने का, तो अब उसमें से ही मुझे निकाल के कुछ पहनना पड़ता था जो मुझे लेके जाना था, और मुझे तोड़ना नहीं था। वो 3-4 ड्रेस मुझे बहुत अच्छे लगे जो कम्फर्टेबल भी लेके होना वही लेके जा रहा हूँ। चलो उठाओ टोपी पहना के, आ गई हूँ अम्मी के इधर पे, हाँ थोड़ा लेट। अस्सलाम वालेकुम, चलता है बेटा, तबीयत खराब हुई तो ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं दूसरे दिन की हल्दी में, ठीक है? देख लेना आप अच्छे से एंजॉय करना, यहाँ देखो दूसरे दिन हमारा दूल्हा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोर हो गया बेचारा, बहुत बोर हो गया, आज के बाहर जाने मिला नहीं ना, आराम से आराम कर दो, दिन की बात है आराम कर। तो ऐसा चलो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग, रसम को लेट हो रहा है सब इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा चलिए, कहाँ हल्दी मेहंदी खेलना है, मेहंदी बता। ये देखो जीनी की मेहंदी हो गई है, अल्लाह मैं ना सच्ची में मेरा शेरू का ना एनिवर्सरी भूल गई फिर से, अरे बाप रे ब्राइड मेहंदी लगाई है दूल्हे की बहन, दूल्हे की बहन। हाँ तो शेरू की आज हैप्पी एनिवर्सरी है और मैं भूल गई, सॉरी भैया। हाँ क्या दोनों औरत औरत भी भूल गए थे क्या? मैं मैं हूं। अच्छा तुझे याद है, खानदानी कैलेंडर लेके सही बात है तेरा, अरे वाह मस्त है, गिफ्ट कितने सारे आए आज लोग को, माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी यार मैं ही आ गई, वही बहुत बड़ी बात है, मैं कैसा लग रहा है आज मेरी तबीयत ना लूज मोशन उल्टी ये सब सुबह से, और मैं उसमें ना मेहंदी लगाई क्योंकि उन लोगों को टाइम दी थी ना मैं आने के लिए, अब उन लोग आ गए थे। याद हो गया
आने जाने का ये होता था, दूर है दूर है तो देखो तो सर ये देखो यहाँ पे आजम को ना जूस चाहिए। देखो टेस्ट कराया इसके लिए, क्यों कराया तुम टेस्ट कराया नहीं? देखो देखो वो छोड़ा, तू क्या खाएगा वो बता पहले। तो गाइस यहाँ पे अम्मी को लग रही है मेहंदी, अभी शुरू हुई है ना अम्मी? हाँ अभी कब तक के बैठ के लगाएंगे तुम तो हाथ? मैं तो बोल रही बाबा मोटा मोटा लगा, खत्म कर, मेरे को ज्यादा एकदम सजाने का नहीं, कलर आना मांगता है, कमर में दर्द है और ज्यादा देर में बैठ नहीं सकता, कलर आना मांगता है, बस बोलने का तत्पर्य है लाल हो जाए बस थोड़ा सा हाथ तेरा हो गया ना, दोनों शादी है करके मिली बेटा सही हाँ। मेरा वो मिला अभी मैं निकल दियो अभी नहीं अम्मी मेरी तबीयत है ना ऐसी नहीं लग रही, मैं चाहती हूँ ना जल्दी से जल्दी काम पटाऊ, ना पैकिंग हुई है ना वीडियो एडिट हुई है, कल दो एडिट की मतलब शादी का बैग पैक किए कल सिर्फ जो शादी वाले दिन पहनने का है, और बाकी का भी पैकिंग बाकी है मतलब बच्चों की हमारी सबकी पैकिंग करना बाकी है, वो करके ये चलेगा सोने 3 बजे फिर उसके बाद तो अभी हाँ एडिटिंग और पैकिंग कोशिश करेंगे आज ही निपटाओगे, कल अगर 12 बजे भी सो के उठी तो फटाफट तैयार होके निकलने का काम करने का। तुम लोग वीटी पहुँच जाएंगे ना? हाँ हम लोग तो बेटी पहुंच के मतलब बाहर ही करने का प्लेटफॉर्म पे जाने, प्लेटफॉर्म पे जाओ ना हम लोग पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तुम लोग कितने बजे की गाड़ी है? हाँ तो तुम लोग कितने बजे पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म? हम लोग यहाँ हम लोग ना ओला करने वाले क्योंकि हम लोगों का ना सामान बहुत, हम लोग भी ओला ही करके जाएंगे और हम लोगों को ना ट्रैफिक में फंसना नहीं है, ओला के अंदर ना बहुत जल्दी नहीं पहुँचते, बेटी पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में बहुत लंबा, 5 बजे पहुँच जाऊंगी और सामान जाके खड़ने का काम लोग वो रियाज को पूछते, 5 बजे ही निकल जाऊंगी, 6 बजे निकलना आराम से पहुंच जाती तो हूँ, 1 घंटा वहाँ नाश्ता वास्ता करके अपना गाड़ी में अपना सामान वामान अपने लगा सकते हैं। बैग भी ज्यादा नहीं ले रही है, एक छोटा सा बैग खरीदी जिसके अंदर आ गया हम लोग का सामान और 2 छोटे छोटे बैग ले लूंगी जिसमें हमारे रेगुलर कपड़े, हाँ, दो दिन की तो बात है बस। तो अम्मी चलो अभी फिर मेरे को ना फोर्स मत करो मैं निकलती हूँ, चलो अल्लाह मैं फोन करूँगी यहाँ से निकलने के टाइम, चल नो फिर मैं भी चलती हूँ बेटा। अरे मेरी मेहंदी तेरी मेहंदी अल्लाह अभी लगी है गाली देखी रही तो दिल में क्या आप आए मेरी मेहंदी मेरा मोबाइल मिला मिला मिला। चलो गाइस मैं भी यहाँ से चलती हूँ, मिलती हूँ घर पे, अच्छे से वो मैंने टोपी भी इसको मैंने पिलाया, इसको चॉकलेट भी खोल के दिया था, चॉकलेट खा रहा था, आवाज मुझे ऐसा करा मेरे साथ मिसबिहेव देखा लेकिन फिर कल भूल जाएगा, 2 दिन दूर रहेगा तो भूल जाएगा, अब क्या कल से आज मतलब कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो हैरल्ड कोटसिया ने इस प्रतियोगिता में जहाँ सबसे पहला नाम था कजीसर अबारा का, उसके बाद दस्ती हो गई पक्की दस्ती है, चलो गाइस अभी मैं निकल रही हूं, चल चल चलो चलो बाय 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़ बाय बाय और बाकी ऊपर देखो अरे इधर देखो मम्मी को देखो अजू यही शुरुआत हुई थी इस प्रतियोगिता की इंडियन की टीम के साथ, लेकिन अब भारतीय टीम लहराते हुए तिरंगा और सच्ची वाला डिचुक हो गया अभी तो सच्ची में लगा उसको अभी
आज हम लोग ज्यादा थक गया ना, तू भी है ना, सो जा आराम से, वो कुछ कल 6 बजे ना निकल रहा तुम, मैं भी निकल, मैं 9 बजे मैं और ओला करके वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचूंगी SC ST, फिर फोन करती पूछ के। हाँ चल अल्लाह सब लोग दुआ करना, सफर आसान हो, आमीन आमीन।